फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल। उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ, प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन, तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए, बाबा आपका कार्य पूर्ण कर देगा, सफलता जा लगे जा करे। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा दे, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए। लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को श्रवण के लिए 108 दिए थे, वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया, ले लो तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108। ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल कट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार, नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने शब्दों माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ नहीं बोल दिया। देखने में क्या ना, सियोर वाला महाराज कहीं जा रही है ना तुम कहीं जा रहे हो, आ जाना वापिस कहीं कुबेरेश्वर धाम में, तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, और एक धरती से करो। महाराज एक नियम बनाओ शिव मंदिर में जाने का, और सुनो, यदि ज्यादा किसी के शरीर में कोई पत्थरी पड़ गई हो, डॉक्टर कह रहा है कि दर्द या ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, दुर्वा शिवजी के ऊपर चढ़ाकर, ताजी वाली दुर्वा शिवजी को चढ़ाकर जल चढ़ा, बाल चंद्रेश महादेव का नाम लेकर, अगर बाल चंद्रेश नहीं बोल सकते हो तो चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर, कौन से भगवान? चंद्रमौली महेश, जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा कटोरी में झेल कर लाओ, दुर्वा वापिस उठा लीजिए, शिव जी से कहकर किसको औषधि कर दीजिए, बच्चा बच्ची के उदर में थोड़ा पथरी पड़ गया है, पत्थर पड़ गया, किडनी लीवर के पास हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, पर तुमने अगर अमृत कर दिया तो ये अमृत हो जाएगा, अमृत के प्रसाद के रूप में उसको मांग कर लेकर आओ, औषधि के रूप में मांग कर लाओ, वो दुर्वा एक एक दुर्वा रोज खाली पेट सुबह प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ करो, 15-20 दिन लगेंगे, जो पानी पिया है पहले दिन रोज शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ, और दुर्वा जो लेकर आए हो 15-20 दिन खिलाओ, फिर जांच कराइए, पत्थरी निकल गई होगी, शिव जी ठीक कर देगा। शिव पर चढ़ाया गया, मेरे शंकर पर, मेरे भोलेनाथ पर, मेरे शंभु पर अर्पण की गई वस्तु अगर औषधि के रूप में लाए हो तो औषधि होती ही है, औषधि। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख हारा।
सब तुम्हें।